मोदी के भाई कल्पेश ने मोदी को न केवल जनता से बड़े बड़े वायदे और दावे करने पर जमकर धोया, बल्कि मोदी के राइट हैंड और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के आदमियों के भी कच्चे चिट्ठे खोले हैं। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना नया घोषणा पत्र, जिसे भाजपा ने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसे जारी कर दिया है। 75 वादों के साथ मोदी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का स्वप्न देख रही है और सारे न्यूज चैनलों ने तो उन्हें अपने सर्वे में दोबारा जिता ही दिया है। ऐसे में मोदी के कथित भाई कल्पेश भाटिया मोदी ने गुजरात से अपना एक वीडियो वायरल किया है, जो मोदी के पिछले 5 सालों में किए गए कामों की पोल खोलता है। कल्पेश भाटिया ने इस वीडियो में मोदी के सबसे बड़े रोने, गांधी परिवार ने देश को बर्बाद किया और 70 साल कुछ नहीं किया का बहुत करारा जवाब दिया है। दरअसल पीएम मोदी को हमेशा एक ही जुमला दोहराते हुए सुना जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश में कुछ नहीं किया। अब उनकी इस बात का जवाब कांग्रेस ने तो नहीं, बल्कि खुद मोदी के ही कथित भाई कल्पेश भाटिया मोदी ने दे डाला है। कल्पेश मोदी ने अपने भाई और देश के पीएम मोदी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें देश से क्यों छुपाई। तो क्या सोशल मीडिया में उन्हें जिन उपनामों से पुकारा जाता है वो सच है? कल्पेश ने मोदी को न केवल जनता से बड़े बड़े वायदे और दावे करने पर जमकर धोया है, बल्कि मोदी के राइट हैंड और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के आदमियों के भी कच्चे चिट्ठे खोले हैं। कल्पेश ने मोदी को आड़े हाथ लेते हुए मोरारजी देसाई से लेकर वाजपेयी सरकार, गठबंधन सरकार और फिर कांग्रेस की सरकार का लेखा जोखा सामने रखते हुए कहा कि मोदी ने इन सभी को बदनाम कर दिया और मोदी के भाई ने मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भी लताड़ा है। कल्पेश भाटिया ने पीएम मोदी के उस दावे की भी पोल खोली है, जिसमें वे कहते रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कल्पेश मोदी से सवाल करते हैं कि क्या आपने 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को नौकरी दी? काला धन लाने में झूठे वादे से देश में नौकरियां मिल गई सभी को? मोदी के भाई यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर शौचालय बनाने की मुहिम कितनी अपरिपक्व और धोखा है, इसका भी जवाब मोदी को दिया है। कल्पेश कहते हैं कि आदमी जब शौच करता है तो उसे कम से कम 15 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रत्येक परिवार के 4 लोग भी दिन में शौच करें तो 60 लीटर पानी का स्टॉक कहाँ से लाएंगे? केवल शौचालय बनवाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस सुविधा का लाभ उठाने के लिए देश की जनता की मूल ज़रूरत वहाँ तक पानी लाने की व्यवस्था करना निहायत ज़रूरी है। लेकिन आपने जनता का सारा पैसा बर्बाद कर दिया, थोड़ा तो IQ लगाया होता। कल्पेश मोदी ने पीएम मोदी को जमकर कोसते हुए कहा कि आप देश की सभी सरकारों से, जिनमें वाजपेयी सरकार भी शामिल है, ज़्यादा पैसा 20 से 30 रुपये पेट्रोल डीजल के नाम पर आम जनता से वसूल रहे हो, जबकि आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने 4 आने भी जनता से पेट्रोल डीजल पर एक्स्ट्रा नहीं लिए थे। इतना पैसा वसूलने पर भी देश की जनता को क्या दे रहे हो? केवल खोखले वादे, महंगी दाल, सब्जी और ऊंचे दाम पर पेट्रोल डीजल। कल्पेश कहते हैं कि जब 45 रुपये वाली दाल 200 रुपये हो गई और आपके सांसद आडवाणी, हेमा मालिनी रोड पर आ गए, तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इतना ही नहीं, कल्पेश मोदी ने पीएम मोदी के विदेशी दौरे को लेकर भी उन पर निशाना साधा है और देश की जनता के पैसे को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में अक्सर कांग्रेस सरकार पर यह कहकर निशाना साधते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश के लिए कुछ नहीं किया, और अब उन्हीं के भाई कल्पेश मोदी ने पीएम मोदी को कांग्रेस के 70 सालों का हिसाब देते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में मोदी का खुद का परिवार नौकरी पेशा बना और उन्होंने जमकर पैसा कमाया। मोदी अक्सर जनता को ये कहकर इमोशनल करते रहे कि वे किसी अमीर परिवार से नहीं हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, इसीलिए जनता के दुख दर्द को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कल्पेश मोदी ने पीएम मोदी के इस झूठ को भी ऐसा धोया है कि मोदी भक्त इसे देख सुनकर तिलमिलाए बिना नहीं रह सकेंगे।
कल्पेश मोदी ने पीएम मोदी के पूरे परिवार की जन्म कुंडली इस वीडियो में खोल दी है और कहा कि मोदी का खुद का परिवार किसी करोड़पति से कम नहीं है और कांग्रेस के 70 साल के शासन में ही मोदी के भाइयों ने न केवल नौकरी बिजनेस खोला और उसे बढ़ाया बल्कि उनकी पत्नी जसविंदरबेन को भी नौकरी कांग्रेस के ही शासन में मिली। इतना कुछ कांग्रेस ने उन्हें और देश को दिया, फिर किस हक से मोदी कांग्रेस से पूछते हैं कि उन्होंने 70 साल तक देश के लिए क्या किया है। कल्पेश कहते हैं कि मोदी के परिवार का जब इतना विकास कांग्रेस के शासन में हुआ जितना कि खुद भाजपा के 22 साल के शासन में नहीं हुआ, तो और क्या चाहिए आपको। कल्पेश ने मोदी की नफरत की राजनीति का करारा जवाब देते हुए कहा कि मोदी, आप आज की युवा पीढ़ी के मन में इतना जहर और भ्रम डाल रहे हो कि कांग्रेस ने 70 साल के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के परिवार ने जितना इस देश के लिए और आपके परिवार के लिए किया है उतना तो आपकी भाजपा सरकार भी नहीं कर पाई। कल्पेश बताते हैं कि मोदी का परिवार एक राशन की दुकान से लेकर आज इतना करोड़पति बन चुका है कि उनके बड़े भाई प्रहलाद भाई पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं और आप कहते हैं कि देश को कांग्रेस ने बर्बाद किया है। कल्पेश मोदी पीएम मोदी को लताड़ने में यही नहीं रुके बल्कि पाकिस्तान देशभक्ति और गौतम अडानी को लेकर भी उन्होंने पीएम मोदी को धो डाला। पीएम मोदी के कथित भाई कल्पेश मोदी द्वारा मोदी की पोल खोलते ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हमने खास आपके लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया से लिया है। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि कैसे पीएम मोदी के भाई कल्पेश मोदी ने उनके वादों दावों की पोल खोली है और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कल्पेश मोदी द्वारा पीएम मोदी की खोली गई पोल पर आपकी क्या राय है।